दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर मैं हूं अखिलेश गुरु, मेरे साथ हैं अमोल और पीछे आपको दिख रहे हैं सावन और जित्तू। दोस्तों आज हम लोग होशंगाबाद से खंडवा पहुंच रहे हैं और दादा धूनी वाले के दर्शन करेंगे और आपको भी साथ में दर्शन कराएंगे, तो आइए चलते हैं। खंडवा पहुंचने से पूर्व हमने आशापुर में माँ आशापुरा के दर्शन किए। इस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ। ये दादा दरबार जाने के लिए प्रवेश द्वार है, किंतु हम आगे बाईपास से जाएंगे क्योंकि इस रोड पर ट्रैफिक अधिक होता है। खंडवा दिल्ली और मुंबई रूट का एक प्रमुख स्टेशन है, इसलिए दोनों रूटों से तो यहाँ बहुत सारी ट्रेनें मिलती हैं। सबसे निकटतम एयरपोर्ट इंदौर है, अहिल्याबाई एयरपोर्ट, और साथ ही मध्य प्रदेश और पड़ोसी जिलों से बस द्वारा भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। हम धूनी वाले दादा दरबार के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों भारत भूमि संतों की भूमि कही जाती है। श्री श्री 1008 श्री दादाजी धूनी वाले, जिन्हें केशवानंद जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, भारत के एक महान संत थे। उन्हें डंडे वाले दादाजी के नाम से भी जाना जाता है। रामफल बाबा धूनी वाले दादाजी, साईं खेड़ा वाले दादाजी, इस तरह कई नामों से धूनी वाले दादाजी को जाना जाता है। धूनी वाले दादाजी गौरी शंकर जी महाराज के शिष्य थे। गौरी शंकर जी महाराज माँ नर्मदा के परम भक्त थे। गौरी शंकर जी के गुरु श्री कमल भारती जी, जिन्होंने माँ नर्मदा की परिक्रमा करने की परंपरा प्रारंभ की थी और उन्होंने अपने जीवन काल में बड़ी बड़ी जमातों के साथ कई परिक्रमाएं की। पूरी दुनिया में सिर्फ नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। गौरी शंकर जी महाराज की समाधि होशंगाबाद जिले के खोकसर में स्थित है, होशंगाबाद से 35 किलोमीटर की दूरी पर। धूनी वाले दादाजी के माता पिता के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जब धूनी वाले दादाजी 7 वर्ष के थे तब वे गौरी शंकर जी महाराज की जमात में उनके शिष्य के रूप में साथ में पहली बार देखे गए। दादाजी धूनी वाले बचपन से ही चमत्कारी संत रहे हैं। दादाजी धूनी वाले को भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। धूनी वाले दादाजी गौरी शंकर जी की जमात में रसोई का काम किया करते थे। रसोई का पूरा प्रबंध उन्हीं के पास था। कहा जाता है एक बार भंडारा बनाते समय घी की कमी पड़ गई तो दादाजी ने कहा माँ नर्मदा से उधार ले लो, और 2 पीपे नर्मदा जी का जल लाकर उबलती कढ़ाई में डाला गया, उसी से भंडारा बना। उसके बाद घी की व्यवस्था होने पर माँ नर्मदा को वापस कर दिया गया। ऐसे कई चमत्कार धूनी वाले दादा के कहे जाते हैं। दादा दरबार लगभग 22 एकड़ में फैला हुआ है। ये आप देख रहे हैं सामने रथ घर, ये बड़े दादाजी जिस रथ में चला करते थे ये वो रथ हैं, और दो गाड़ियां जो आप देख रहे हैं ये बाराबंकी के राजा ने छोटे दादाजी को जर्मनी से मंगाकर उपहार में दी थी। छोटे दादाजी श्री हरिहर भोले भगवान राजस्थान के डिंडवानी के रहने वाले थे। इनका असली नाम भंवरी लाल था। ये दादाजी के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। छोटे दादाजी की समाधि भी बड़े दादाजी के बाजू में ही बनी हुई है और इन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है छोटे दादाजी को। दादाजी जहाँ भी जाते जहाँ भी रहते वहाँ धूनी प्रज्वलित कर लेते थे, इसलिए इन्हें धूनी वाले दादाजी के नाम से जाना जाता है। और ये इनकी धूनी में कितनी भी बहुमूल्य वस्तु हो उसे उठाकर धूनी में डाल देते थे। दादाजी अपने पास एक डंडा, एक चिमटा, जल पात्र और कंबल रखा करते थे। कहते हैं एक बार एक कुतिया को इन्होंने डंडा मारा और उस डंडे की मार से कुतिया मर गई। उन्होंने उस कुतिया को उठाकर अपनी धूनी में डाल दिया और लगभग 1 महीने बाद उस कुतिया को वापस धूनी में से जिंदा निकाल दिया। दादाजी ने दिसंबर 1930 अगहन सुदी 13 को खंडवा में समाधि ले ली थी। 12 साल बाद 4 फरवरी 1942 को छोटे दादाजी ने भी यहीं खंडवा में समाधि ले ली थी। गुरु पूर्णिमा को
लाखों भक्त यहाँ आते हैं दादा दरबार में, दादाजी के समाधि के दर्शन करते हैं और दादाजी का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ अखंड ज्योत और अखंड धुनी दादाजी के समय से ही जल रही है। यहाँ प्रसाद में एक टिक्कड़ मिलता है। यहाँ आज भी दादाजी के वस्त्र, दादाजी की टोपी और ग्रामोफोन रखा हुआ है। दादाजी ने अपना कुछ समय साईंखेड़ा, होशंगाबाद, बरेली, उज्जैन, भोपाल और बड़वाह में भी बिताया था। एक बार स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते हुए किसी विद्यार्थी को अंग्रेज अफसर ने मार दिया। वो रोते हुए दादाजी के पास गया। दादाजी ने अपना डंडा उठाया और सारी स्ट्रीट लाइट्स फोड़ दी। अंग्रेज अफसर बहुत नाराज हुआ। उसने उठाकर दादाजी को जेल के अंदर बंद कर दिया। और जब वो जेल में बंद करके बाहर आया तो बाहर भी दादाजी दिखे, तो वो तो घबरा गया। फिर जब अंदर जाकर देखा, अंदर भी दादाजी, बाहर भी दादाजी, तो दोनों तरफ जब उसने दादाजी को देखा तो बहुत डर गया, वो बहुत घबरा गया और दादाजी को छोड़ दिया। और दादाजी को छोड़कर फिर उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ करें, आप सच्चे संत हैं। होशंगाबाद की ग्वालटोली के पास किसी पुलिया के पास दादाजी बैठे हुए थे। पास से कोई ग्वालन दही बेचने निकली, इन्होंने आवाज़ लगाई, उसने नहीं सुनी, वो आगे निकल गई थी। तो इन्होंने वहीं बैठे बैठे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। लगभग 20-25 फिट आगे तक जा चुकी थी ग्वालन। जब उसने पीछे इतना बड़ा हाथ देखा तो वो तो डर के मारे भाग गई वहाँ से, अपना दही यही सब छोड़ के। उसने जब लोगों को सारी घटना बताई, लोगों ने आके देखा तो पाया, अरे ये तो धुनी वाले दादाजी हैं, ये तो बड़े पहुँचे हुए सिद्ध संत हैं। भजलो दादाजी का नाम, भजलो हरिहर जी का नाम, इन पंक्तियों के साथ यहाँ दादाजी को स्मरण किया जाता है, उनका नाम जपा जाता है। ये वो अखंड धुनी है जो दादाजी के समय से जल रही है। धुनी वाले दादा के द्वार अपने भक्तों के लिए कभी बंद नहीं होते, वे 24 घंटे खुले होते हैं। आप किसी भी समय जाकर दादाजी के दर्शन कर सकते हैं। धुनी वाले दादा के जीवन चरित्र पर पंडित गिरिमोहन गुरु ने एक चालीसा लिखा है, जो शीघ्र ही मैं एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। धुनी वाले दादा दरबार के वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, मित्रों से, रिश्तेदारों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अब तक ना किया हो तो, और बेल आइकॉन दबाकर ऑल के ऑप्शन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय धुनी वाले दादा की। जय दादाजी।